जयगांव टुडे चैनल किसी भी हिंसक हानिकारक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। सिलीगुड़ी माटीगाड़ा छात्र हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद अब्बास को 10 दिनों की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कल सुबह दूसरी पेशी सिलीगुड़ी अदालत में की गई। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल सुबह ही पुलिस ने आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। कातिल अब्बास की पेशी को लेकर कल सुबह से ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा किले में तब्दील कर दी गई, ताकि आरोपी की पेशी के दौरान किसी तरह की समस्या खड़ी न हो। इससे पहले 22 तारीख को छात्र का हत्यारा मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के दौरान कोर्ट परिसर में माहौल काफी बिगड़ गया। आरोपी मोहम्मद अब्बास पर हमले की कोशिश की गई। बाद में माहौल शांत करने के लिए पुलिस को लाठिया चार्ज करनी पड़ी। उसके बाद जाकर पुलिस आरोपी को कोर्ट में सुरक्षित लेकर निकल पाई, इसलिए कल पुलिस पहले से ही तैयार थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 दिनों की रिमांड पर आरोपी ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। आरोपी ने बताया कि उसके छात्र के साथ 3-4 महीने से दोस्ती चल रही थी। घटना वाले दिन के पास छात्रा के स्कूल से निकलने का इंतजार कर रहा था। छात्रा के आने के बाद उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर माटीगाड़ा के उक्त सुनसान जगह पर लेकर उसके साथ पहले दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसके बाद उसने ईंट से छात्र का चेहरा कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपने घर जाकर सो गया। इधर 10 दिनों की रिमांड के दौरान मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मोहम्मद अब्बास पर हत्या करने के साथ पोस्को एक्ट भी दर्ज कर दी। लेकिन इस घटना को लेकर माहौल गर्म होने के कारण आरोपी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने घटना के रिएक्शन ऑफ क्राइम नहीं करवा पाई, इसलिए 10 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत कल आरोपी को दोबारा 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया है। जायलेस एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। बस 3 और 6 महीने का ब्यूटीफिकेशन कोर्स करें और आत्मनिर्भर बनने का मौका पाए। जायलेस एकेडमी कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब गारंटी भी देती है, तो अब देर किस बात की। जायलेस एकेडमी गोपी मोहन रोड जयगांव GP1 कार्यालय के पास जल्दी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8945008520 और 8170029496। धन्यवाद।